वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की बात की जाए तो आज 124.95 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक, यानी कि देखा जाए तो 2.30 पे पॉइंट ऊपर तेजी देखने को मिले, तकरीबन 1.88% 2% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के अंदर। तो आज देखा जाए तो देख सकते कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक जो फ्लैट ओपन हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ही ओपन हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग को सपोर्ट लेके एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, पर ऊपर 125.75 पे हाई बनाया और वहीं पे रजिस्ट्रेशन लगा, देख सकते कि वजह से गिरावट देखने को मिले। रिसेंटली फिर से एक बार 124.95 यानी कि 125 के नीचे ट्रेडिंग करा है। मार्केट कैप देख सकते हैं 5.89,000 करोड़ के मार्केट कैप है, पी रेशो 4.74 का है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी अच्छा पी रेशो दिखाई दे रहा है। तो पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन 2.63% की तेजी देखने को मिले आईबुल हाउसिंग स्टॉक के अंदर। और आज के दिन का वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं तकरीबन 1.06 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आईबुल हाउसिंग में स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 13,248 लाख की है, बाइंग के लिए 13,25,000 क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 15 लाख से ज़्यादा। तो सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो देख सकते हैं तकरीबन 99 लाख में से तकरीबन 26 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, टोटल 26% क्वांटिटी दे 1 लाख में से डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। तो चार्ट के ऊपर भी नजर डालोगे तो चार्ट में भी देख सकते एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिले स्टॉक के अंदर। आज देखा जाए तो देख सकते कि जो मंथली रजिस्ट्रेशन वन है 121.75, उसी का सपोर्ट पिछले 4 दिनों से ले रहा है स्टॉक। पहले रजिस्ट्रेशन लेता था, अभी सपोर्ट लेके ऊपर स्टेबल है, तो 130 लेवल तक तो जाने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईबुल हाउसिंग स्टॉक के लिए।